कमराजपुर बना रखा है यूआरबी का साथ में जी इंशाल्लाह। हाँ हाँ उसका काम शुरू करें, अभी गर्मी जो आ रही है ना जो पेट में अंदर वो गर्म है बहुत, तकलीफ होती है, क्या करें जो है वो गर्म हो रहे होंगे ना। तो ये अभी वगैरह तो आपने जो है वो जमा किए हैं बनवाना मिस्त्री को, शहर देखा आपने उधर सामान ना करना कुछ मिस्त्री आएंगे कुछ मजदूर आएंगे काफी सारे, तो आप खुद भी मेहनत कर सकते हैं ना। वो तो करेंगे लेकिन तकलीफ तो आएगी ना, अगर जो भी मदद करेगा तो वो ये है, ये जो टेंट आप देख रहे हैं ये पैराशूट के मटेरियल वाले हैं जी, बिल्कुल ये देखें ये मेरा है। जो कुछ बच गया उसको जमा करके जो इस्लामिक रिलीफ ये टेंट उसको जो है इन्होंने लगा के अपना गुजर बसर कर रहे हैं, अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। लाजमी बात है जब आप जिंदगी गुजार रहे होते हैं, और इनका तो होता ही खेती बाड़ी है और माल मवेशी है, आप देख सकते हैं कि माल मवेशी भी उनको भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, उनको छत फराहम करना, उनको शेल्टर फराहम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो बेजुबान जानवर है। इंसान तो कहीं ना कहीं अपने लिए कहीं ना कहीं भागेगा, करेगा कुछ ना कुछ करेगा, ये जानवरों के ऊपर तो हमारी एक अलग से रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमने जब मर के जवाब भी देना है इन बेजुबानों के लिए, एक वो चीज़ हो गई। दूसरा ये देखिए शेल्टर में कब तक, अगस्त का महीना गुजर गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, आज हम फरवरी में खड़े हुए, सख्त तरीन हमने सर्दी भी देख ली, अब जो है वो अब आगे फिर दोबारा गर्मियाँ स्टार्ट होने वाली है, रमजान के महीने आने वाले हैं, अब जितना हो सके यहाँ पे राशन की भी जरूरत है। यहाँ इन लोगों के जो घर गिर गए हैं, जो इन्होंने थोड़ी बहुत अपनी ईंटें जमा की है, एक एक कमरा बनाने में भी लाख लाख रुपए की जरूरत है, फिर उसके बाद ही इनके कमरे तैयार हो सकते हैं। इस यूसी के अंदर तकरीबन 30 से 35 घराने, 30 से 35 घरानों का एटलीस्ट अगर एक एक कमरा भी तैयार हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। इस शेल्टर के अंदर ये कब तक गुजारेंगे, ये गर्म होने वाला शेल्टर है, ये पैराशूट का कपड़ा है, आप सोच सकते हैं कैसे सर्वाइव करेंगे, कैसे रहेंगे, यहाँ बच्चे भी हैं, फिर बीमारियां भी हो सकती हैं, और फिर बारिश है, धूप है, सब कुछ है। जो कोई भी मदद करना चाहे वो जरूर करें, मैं आगे भी आपको दिखाऊं। खाना पकाने का सिस्टम, यहाँ रहने का सिस्टम मैंने आपको पूरा सब कुछ दिखाया, जो कोई भी मदद करना चाहे, ये छोटे छोटे गांव हैं, यहाँ पे कोई आया भी नहीं है, सिर्फ इस्लामिक रिलीफ वाले टेंट देके गए हैं, कंबल देके गए हैं, हम कुछ इमदादी सामान अपने डोनर्स के तावन से लेकर आए हैं, यहाँ बहुत ज्यादा इमदाद की जरूरत है, जो भी तावन करना चाहे जरूर रब्ता करें, बहुत शुक्रिया।